Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. लास्ट लेक्चर क्या किया था बेटा? लास्ट पार्ट क्या था सर? वो हमने एंटी एलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन पे एक क्वेश्चन किया। अच्छा, ये टू कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे इसका मतलब? यस सर। So, हमने लिखा है कि E2 is anti elimination. चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हमने वो वाला पार्ट फिनिश कर दिया। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं वहां तक पहुंचने का। बिना इतना सब कुछ किए आप आंसर कैसे निकाले? तो एक इसको ऐसे याद रखिएगा, ईट करके याद रखिएगा। ईट ईट क्या होता है? ईट का मतलब यहां पर है, ई मीन्स एरिथ्रो, एरिथ्रो। तो एरिथ्रो का यहां क्या मतलब है? टू ग्रुप्स विच वी हैव टू एलिमिनेट must be erythro in Fisher projection. ठीक है, ये ध्यान रखना। erythro अगर है, और A का मतलब यहां पर anti elimination, तो T का मतलब आपको मिलेगा trans alkene। याद रख पाओगे? और इसी का दूसरा एक वर्जन है जिसको बोलते हैं टैक, ईट और टैक। इसे सब सॉल्व हो जाएगा आपका। टी का मतलब यहां पर है थ्रियो। व्हाट इज मेंट बाय थ्रियो? टू ग्रुप्स विच वी हैव टू एलिमिनेट must be trio, trio और erythro का अगर आप confusion है तो ऐसे याद रखें। जैसे मान लो H और Br आप eliminate करना चाहते हो, तो same side होंगे Fisher projection में तो उसको erythro बोलते हैं, और opposite side होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं erythro, sorry trio। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? A means anti elimination। देखो, कोई दूसरा रिएक्शन भी होगा हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, वो सिन एलिमिनेशन हो सकता है। यहां मिलेगा आपको सिस। एक मैजिकल चीज बताते हैं, याद आप खाली ईट रखिए, बाकी सब तो आप अपने आप बना सकते हैं। कैसे? तो जब भी इट्स अ थ्री लेटर वर्ड, तो एक लेटर फिक्स रखते हैं, बाकी दो चेंज करते हैं। ये स्टाइल होता है, कोई भी दो लेटर आप चेंज कर दो, एक फिक्स रखो, तो आपको एक नया कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, सिंस E2 एंटी एलिमिनेशन था तो हमको ये इसकी नॉलेज थी एंटी की, तो हमने एंटी को फिक्स रखा। ध्यान से देखो, तो मुझे दो लेटर जो बाकी थे उनको चेंज करना पड़ा। एरिथ्रो का उल्टा क्या होता है? थ्रियो। और ट्रांस का उल्टा क्या होता है? सिस। नया लेटर आ गया ना आपको, सॉरी नया वर्ड आ गया। तो ये थ्री लेटर वर्ड है, एक आपको लेटर फिक्स रखना है, दो चेंज करने हैं, यू विल गेट अ न्यू कॉम्बिनेशन।
बिल्कुल आपको आसान वाली स्टाइल में बता दिया, और प्रोबेबली आप अगर लास्ट लेक्चर में जो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उनमें देखो जाकर के, जिसमें आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा था उसका जो रिएक्टेंट होगा उसमें एच और बी आर एरिथ्रो पोजिशन पे होंगे। देखो असली में एरिथ्रो कुछ और होता है, उसमें आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड बोलते हैं, बट हमने क्या बोला है कि जो दो ग्रुप हमको एलिमिनेट करने हैं वो एरिथ्रो होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप चेक करो उसमें, देखो एरिथ्रो पक्का होंगे, और जिसमें आपको सिस मिल रहा है उसमें पक्का वो थ्री आइसोमर के फॉर्म में होंगे। तो एक बार आप जरा उसको चेक कर लो, मैच करा लो और इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। एक तो ये पार्ट हो गया, और इसी में एक ये भी लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इसमें कौन सा बेटा, 6 पॉइंट है कि कौन सा है, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली थी? सर आई थिंक फाइन सर फाइन। फाइव लिख ली, तो 6 पॉइंट लिखेगा। इसमें लिखिए एंटी एलिमिनेशन इज आल्सो फाउंड, एंटी एलिमिनेशन इज आल्सो फाउंड इन डी हेलोजिनेशन, इसको विसिनल डायहेलाइड्स भी बोलते हैं। डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा बताओ? जो दो एलिमिनेटिंग एलिमिनेट करना है ग्रुप्स वो कौन कौन से होंगे? सर हैलोजन एंड हाइड्रोजन। यस, दोनों हैलोजन होंगे, बिल्कुल सही। अब इसका फायदा क्या है, तुम मतलब सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो आप। कैसे? तुमको ईट वाला फंडा मालूम है ना, तुमको टैक वाला फंडा मालूम है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बेटा बताओ इस वाले में तुमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन हाँ देखो सेकंड्स में, लेकिन ये है कि रिएजेंट वगैरह तुमको नहीं आता है अभी, तो मैं रिएजेंट बता देता हूँ। इसमें जिंक इन इथाइल एल्कोहल के साथ हीट करते हैं, दूसरा इसमें होता है एनएआई इन एसीटोन लेते हैं और उसको हीट करते हैं।
तो देखो सेकंड्स में आपने आंसर बताया, नहीं तो कोई नॉर्मल बच्चा जाएगा एग्जाम में तो वो देखो क्या सोचेगा, उसको लगेगा कि बीआर निकल गया तो ये सिस बन गया, आप सोचो। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी पूरा मैंने समझाया और ये ट्रिक भी आपको बता दी क्विक मेथड से आंसर निकालने का, सेकंड्स में आपको आंसर आ गया कि भाई इसमें ट्रांस लिखना है ऐसे। ठीक है, अब इसी के बदले मैं तुमको ये दे दूं, यहाँ पर बी आर लगा दूं, यहाँ बी आर लगा दूं, एच एच सी एस डी। आप घर पे इसको पूरा फुल मेथड वाला भी करना कि हाउ डिड वी गेट दिस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टैग वाला फंडा आ जाएगा, थ्री ओ एंटी और सिस, तो यहाँ पर सिस बना दूं। अब आपको एक और मैजिकल चीज बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज कैसे देता है, ऑप्शंस कैसे बनाता है, वो डिफिकल्ट, ये सब एडवांस लेवल के लिए। आप तो उसमें ऐसा भी वो दे सकता है कि अगर ध्यान से देखो कि यहाँ का एरिथ्रो फॉर्चुनेटली मेजो है, क्या तुम देख पा रहे हो बेटा, यस इज थ्रियो इज मेजो ऑल्सो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसका मतलब है कि मेजो वाला ट्रांस देगा, सिंपल सी चीज है, क्या तुम समझ पा रहे हो बेटा, मेजो वाला ट्रांस देगा और ये वाला मेजो नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो या तो डेक्स्ट्रो होगा या लेवो होगा। ठीक, तो डेक्स्ट्रो लेवो आपको क्या देगा, सिस देगा, ये भी लैंग्वेज आ सकती है, इस तरह का कुछ आ सकता है कि वे ऐसा लिखो, इसका आईयूपीएसी नेम लिखो और उसके पहले लिखो मेजो और बोला दिस ऑन रिएक्शन विद जिंक ऑब्लिक सिट्रेट ऑफ ओएच गिव्स ट्रांस एल्कीन। सोचे इतना ये डिफिकल्ट वाला ऑप्शन है इसको, लेकिन तुम अब आराम से बिना किसी कैलकुलेशन के कुछ किए और आराम से आंसर निकाल दोगे, सबको अच्छे ढंग से लिख कर रखिएगा बेटा। ठीक है, ये एक्चुअली थ्रियो नहीं है, ये गलती से लिख दिया, दिस एरिथ्रो, तो भी यार दोनों हमारे सेम साइड पे है ना जिनको रिमूव करना है, तो उसको एरिथ्रो बोलते हैं, तो दिस एरिथ्रो इज मेजो, ऐसा करके लिखिएगा। डन सर, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
अच्छा, ये जो दो पॉइंट्स मैं अभी बोलने वाला हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, लेकिन एडवांस के लिए हैं, और अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आए तो अभी के लिए इसको इग्नोर कर सकते हो, अगर समझ में आ जाए तो खुश हो जाना बहुत, ठीक है? थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, फिर भी आप पहले लिखो फिर देखो। इसमें लिखिएगा E2 is stereospecific. E2 is stereospecific. तो नीचे क्या लिखोगे? What is stereospecific? What is stereospecific? यहां पर लिखिए, different, पहले तो definition बता रहा हूं, stereospecific का क्या मतलब है? Different stereoisomeric reactants, different stereoisomeric reactants give different stereoisomeric products. तुमने लिख लिया बेटा? यस सर। अब इसको ध्यान से देखो, डेफिनेशन भी इसकी टफ ही है, तुम्हें आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए एग्जांपल अच्छा सा लेते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया, इसका रिएक्शन जिंक ऑब्लिक C2H5OH के साथ करा है, क्या प्रोडक्ट बनाया है बड़ा इसमें? सर ट्रांस एल्कीन। ट्रांस ये प्रोडक्ट बनाया, ये था क्या? ये था मेसो, या आप इसको बोल सकते हो एरिथ्रो, ठीक। फिर दूसरा एग्जांपल क्या था? CH3 HH Br Br CH3, ये क्या था? डेक्स्ट्रो और लेवो, या फिर इसके बदले इसको बोल सकते हैं थ्रियो आइसोमर, ये क्या प्रोडक्ट दे रहा है? सिस। अब इसका क्या मीनिंग, अब ध्यान से सुनो, E2 is stereospecific, इसका मतलब ये है कि different reactant will give different product. तो आप बोलोगे ये क्या मजाक है, different reactant तो different ही product देगा ना, ऐसा नहीं होता हर बार। different reactant का यहां मतलब stereochemistry में different, stereochemistry में यहां क्या difference है, यहाँ की स्टीरियो केमिस्ट्री ऑप्टिकल वाली है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स में, और राइट हैंड साइड में स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट वाली है। तो वो कह रहा है कि एरिथ्रो अगर आपको ट्रांस दे रहा है तो थ्रियो आपको ट्रांस नहीं देगा, ठीक, थ्रियो आपको डिफरेंट देगा। तो ट्रांस का डिफरेंट क्या होता है? सिस। तो अगर एरिथ्रो आपको ट्रांस दे रहा है तो थ्रियो आपको सिस दे रहा है। तो हम इसको क्या लैंग्वेज में लिखेंगे, आसान भाषा में, और इसको क्या लिख देंगे? Different reactant giving different product. ऐसे याद रखो, different reactant giving different product. और फिर लास्ट में लिख देना from stereochemistry point of view. Chemistry point of view. नहीं तो क्या होगा, फिर तुमको लगेगा कोई भी different reactant, different product मतलब stereochemistry के point of view. ये है स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर आपको समझ में आ गया हो तो खुश हो जाना, एग्जाम्पल कॉपी कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए, इसको कॉपी कर लो बेटा।
डन सर। डन इसमें नेक्स्ट पॉइंट एक लिखिएगा, P2 इज स्टीरियो सिलेक्टिव नीचे क्या लिखोगे इसके? ऐसे नोट्स बनाने कि नोट्स आपसे बाद में बातें करें। लिखिए पहले डेफिनेशन इसका, लिखिए आउट ऑफ मेनी पॉसिबल, आउट ऑफ मेनी पॉसिबल स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, आउट ऑफ मेनी पॉसिबल स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स ओनली वन डायस्टीरियोमर, ओनली वन डायस्टीरियोमर और पेयर ऑफ इनेंशियोमर फॉर्म, ओनली वन डायस्टीरियोमर और अ पेयर ऑफ इनेंशियोमर फॉर्म्स। लिख लिया सबने? यस। अब उसी रिएक्शन में ध्यान से देखो बेटा, इसी रिएक्शन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो हमने यहाँ रिएक्टेंट्स लिए उनमें प्रोडक्ट पे फोकस करो केवल। क्या करना है इस पे? फोकस ओनली ऑन प्रोडक्ट, जबकि स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या करना पड़ता है? चेक बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये पता करने के लिए कि कोई रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है कि नहीं, तुम्हें रिएक्टेंट को भी एक बार देखना पड़ेगा और एक बार प्रोडक्ट को भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये चेक करने के लिए कि कोई रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है कि नहीं, तुम्हें केवल प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना है? स्टीरियो कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट में सिस और ट्रांस दोनों पॉसिबल है तो खाली एक बनाना, ठीक, सिलेक्ट करना, नाम से पता चले स्टीरियो सिलेक्टिव, यानी कि वो स्टीरियो केमिस्ट्री सिलेक्ट कर रहा है किसकी? प्रोडक्ट। बस रिएक्टेंट को हमने देखा भी नहीं, रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव हो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अगर ये यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव होता तो हम बोलते कि प्रोडक्ट में या तो खाली मेजो बनना चाहिए या खाली डेक्स्ट्रोले हो। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो हम बोलेंगे या तो खाली सिस बनेगा या खाली ट्रांस बनेगा। और अपने पास बेस्ट एग्जांपल है, थोड़ी देर पहले किया हमने कि जो रिएक्शन हमने किया उसमें या तो ट्रांस बन रहा था या फिर सिस बन रहा था। थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हें ऐसा लगेगा यही चीज तो पहले भी चेक की, लेकिन पहले हमने ये चेक किया कि डिफरेंट रिएक्टेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, यानी रिएक्टेंट में भी स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए, जबकि यहां पर नहीं कह रहा है कि रिएक्टेंट में स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए। खाली प्रोडक्ट को चेक करो और ये देखो कि एक ही मिल रहा है, इधर सिस और ट्रांस, ठीक। ये भी कॉपी कर लो बेटा, इसीलिए ये जो ऊपर मैंने लिखा ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस ओनली ऑन प्रोडक्ट जबकि इसमें चेक बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी आप हाईलाइट कर लेना।
सर सर आपने जब वो बोला कि किसी प्रोडक्ट में सिस या ट्रांस दोनों पॉसिबल है, तो उसके बाद रिपीट कीजिए ना। दोनों पॉसिबल है तो कोई एक बनता है, ऐसा मैंने बोला, उसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। सर फिर इसमें से सिलेक्ट कौन सा करेंगे? वो रिएक्शन तुम्हें खुद बताएगा, तुम्हें खाली, तुम्हें नहीं सिलेक्ट करना, तुम्हें खाली ये बताना है रिएक्शन को देख के कि स्टीरियो सेलेक्टिव है कि नहीं है, यानी रिएक्शन हो चुकी है, आंसर आ चुके हैं, सिस ट्रांस पता है हमको, किस चीज बन रहा है ट्रांसफर सब पता है हमको, खाली ये बताना है कि ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है क्या, ऐसा। ओके सर। डन सर। ये भी पॉइंट फिनिश किया हमने, अब एक लिखिएगा ऐसे लिखिए, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, E2 रिएक्शन इज हाईली रेजियो सिलेक्टिव, E2 रिएक्शन इज हाईली रेजियो सिलेक्टिव in forming the more stable product as major product, more stable product as major product। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ZEF प्रोडक्ट, या इसको कई बार ZEF करके भी लिखा होगा, ZEF प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो नॉर्मल है, हाइपर कॉन्जुगेशन उसका एक्सप्लेनेशन है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब एग्जाम्पल इसका देख लो, आप जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल, CH3 CH, यहां पर BR लगा दो, यहां पर CH2, यहां पर CH3। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, अगर इसका रिएक्शन मान लीजिए मैंने करा दिया C2H5ONA, C2H5OH, ये बेस है, बेस के उसमें एलिमिनेशन होगा, यहाँ E2 एलिमिनेशन होगा, लिख दिया मैंने। अब E2 में होता क्या, एक BR निकलता है और उसके बगल में जो बीटा एच होता है वो निकलता है, तो यहाँ पर क्या है, टू डिफरेंट बीटा एच। तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, और एक प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एक होगा। इन दोनों से मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, मतलब किसके पास ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसके पास केवल दो ही हाइपर कॉन्जुगेट है, इसके पास छह है, ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसको नीचे वाले को आप ZEF प्रोडक्ट बोलोगे, ऊपर वाले का भी नाम है हॉफमैन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, ठीक
ठीक है, तो ये हम लिख देंगे मेजर। इसी को कहते हैं रिजियो सिलेक्टिव, यानी रीजन सिलेक्ट किया उसने कि किस रीजन में डबल बॉन्ड आना है, दैट हैज बीन सिलेक्टेड। तो इसको कॉपी कर लो बेटा। सबने लिख लिया बेटा? यस सर। यस, आप सब लोग बुकलेट निकाल लो बेटा। बुकलेट निकाल लिया बेटा सबने? नहीं हो आसपास तो लेकर बैठिए, ले आइए। अब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा।
खाली थियरी आपको आता है इससे मतलब नहीं उठता, स्कोर नहीं आएगा। सॉल्विंग अपनी एक एबिलिटी है, तो मैं हर पहले भी मैंने आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो सिखाई है, फिर इसमें भी इसी तरह से करेंगे हम लोग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने को डेवलप करनी है, ठीक है ना। तो खाली थियरी पढ़ने से काम चलता नहीं है, कैसे प्रॉब्लम्स को डील करना है, कम टाइम में कैसे आंसर निकालना है, ये सब अपने को आना चाहिए। तो टीचर क्या सोचते हैं उसके हिसाब से एग्जैक्टली वही स्टाइल आपको, उसमें कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है, और कई जगह कॉन्सेप्ट्स का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो सबके पास बुकलेट आ गई बेटा, स्टार्ट करें। यस सर। तो एक होम असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करिए, और फिर होम असाइनमेंट 3 का, सॉरी होम असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करिए, पहले ये 4 करिए बेटा। ये क्वेश्चंस जो हैं न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो तुम नोट्स में अपने चेक भी कर सकते हो, ठीक। लेकिन आंसर ट्राई करो सही से, आंसर देखना नहीं, आंसर की मत चेक करना, करिए।
अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, पहले HA3 वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक वाले उसमें नोट्स में आप देखो, आई गिव यू सम ट्रिक्स, उनको आप यूज करिए, है ना। उसमें लास्ट में फिर मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर भी दिया है, मेरी एडवाइस है उसको रट लो। कुछ नहीं दिया है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है उसको मान के ऑर्डर लिख देना है। तो बड़ा सिंपल है वैसे तो, आई माइनस ग्रेटर देन बी आर माइनस ग्रेटर देन सी एल माइनस, एक नॉर्मल सा ऑर्डर है ना। आप नोट्स में चेक करिए, ट्रिक्स वगैरह सब लिखी हुई है वहां पर, और लास्ट में न्यूट्रल वाला वीक होता है, तो जनरली न्यूट्रल तो वीक ही होते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, सिंपल सी चीज हो गई। और सेकेंड क्वेश्चन इसका जो है उसको अगर देखोगे आप, तो उसमें सब में ऑक्सीजन एटम सेम है। तो मैंने नोट्स में आपको लिखाया है कि अगर एटम सेम हो न्यूक्लियोफिलिक वाला, तो ट्रिक में मैंने क्या लिखा है कि आपको जस्ट बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। नोट्स हमेशा फॉलो करना बेटा, हाँ ऐसा हवा में नहीं हो जाएगा कुछ भी। तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के लिए बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लो, क्योंकि सबके एटम्स ऑक्सीजन है। तो फिर हमने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन सॉरी जो OCS3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस, वो पैरा पोजिशन और ऑर्थो पे वर्क करता है। यहाँ पैरा पे वर्क करेगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। सबसे अच्छा OCS3 है, और सबसे घटिया यानी NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो तो O का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, कम कर रहा है। यानी सबसे ज्यादा में आप थर्ड लिखोगे, और सबसे कम में आप किसको लिखोगे, फोर्थ को। फिर इसमें CH3 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ रिलीजिंग ग्रुप है, भले ही वो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से इसमें कुछ नहीं लगा है, तो आप 2 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, हो गया ना फटाफट आंसर। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक है, इसको कॉपी कर लो बेटा। आप बुकलेट में ही चाहे तो लिख लो, है ना, कि इसको कहाँ से रिफर करें, तो अपने नोट्स का वो पेज नंबर वगैरह डाल दो, कि जस्ट चेक पेज नंबर दिस ऑफ नोट्स फॉर कॉन्सेप्ट्स, ऐसे करके लिख लो। गाइस अब जो दूसरे दो क्वेश्चंस हैं वो लीविंग ग्रुप पर बेस्ड हैं। तो लीविंग ग्रुप के लिए भी मैंने आपको लिखाया हुआ कि लीविंग ग्रुप जो है वो यूजुअली एनायंस होते हैं। तो एनायंस में हम लोग जो है चार्ज डिस्पर्जन जरूर देखते हैं। चार्ज डिस्पर्जन का मतलब स्प्रेड हो जाना, कितना ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा वो, उतना वो ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप रेजोनेंस चेक कर सकते हो, इसमें बिगर साइज चेक कर सकते हो, ठीक है, कई बार इंडक्टिव इफेक्ट भी चेक करना होगा। तो जितना अच्छा ये होगा बिगर साइज या रेजोनेंस, उतना वो लीविंग ग्रुप अच्छा होगा। ठीक है, तो आप देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है होम असाइनमेंट 2 का, उसमें जो सी ऑप्शन, देखो ए वाला तो गलत हो गया, क्योंकि H2O न्यूट्रल है तो उसमें तो चार्ज डेंसिटी ही नहीं है, तो H2O ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो मेरा आंसर ये होना चाहिए। बी में क्या है, एस बड़ा साइज का है तो वो लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें डिस्पर्शन ज्यादा हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखोगे तो सही दिया है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है पहले में,
राइट, और दूसरे में नहीं हो रहा है, तो पहला डिस्पर्जन में गया, इसलिए ये ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है। डी वाले का आंसर क्या होना चाहिए, आई माइनस ग्रेटर देन सी एल माइनस, क्यों, क्योंकि साइज बड़ा है। तो आपको केवल साइज बिगर देखना है या रेजोनेंस देखना है, तो ज्यादातर केसेस में वो ज्यादा अच्छे लीविंग ग्रुप है। ये सारा स्टाइल भी आप लिख लो। और सेकेंड क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में नोट्स में दिया है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप का एग्जाम्पल है ये, ट्रिफलेट आयन याद करिएगा, तो ये ट्रिफलेट आयन आपको मिल रहा है, तो इसमें इसको लिख दीजिएगा आप, ये लीविंग। सिर्फ बोलो क्या बोल रहा। फर्स्ट वन ऑप्शन रॉन्ग क्यों, मतलब रीजन क्या है? यस पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन बोल रहे हो, बिकॉज सर, H2O न्यूट्रल है ना, चार्ज डिस्पर्जन देखते, उसमें तो चार्ज ही नहीं है। सबने लिख लिया बेटा। अब यस सर, सेकंड सॉरी थर्ड एक्सरसाइज में आप वापस जाइए बेटा, थर्ड एक्सरसाइज में वापस जाइए, और ये होम असाइनमेंट 3, इसमें आप अटेम्प्ट करिएगा। सबसे पहले इसमें अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन नंबर जो है, 1 मिनट आ गया, क्वेश्चन नंबर इसमें अटेम्प्ट करिएगा 32, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34। ये करवाया है क्या बड़ा मैंने, एक बार जरा चेक करो। सर 32 करवा दिया था आपने। 32 करवा दिया है ना, तो इसको हटा दो, ये बाकी नहीं करवाए। नो सर। एक तो ये अटेम्प्ट करिए, फिर इधर एक आएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। फिर यहीं पर एक आता है क्वेश्चन होम असाइनमेंट 2 का, ये क्या अलग अलग जगह सब दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, इतना अटेम्प्ट करिए, ये SN1 SN2 आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। एक और क्वेश्चन है, 1 मिनट, एक और क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो कहाँ दिया हुआ है, हाँ वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है गेट इक्विप्ड टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 गेट इक्विप्ड, ठीक है, इसको अटेम्प्ट।
बेटा अटेम्प्ट किए। हाँ नोट्स आप प्रिफर करते हुए करिए वरना डिफिकल्ट लगेगा सब। चलिए डिस्कशन करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप ये होम असाइनमेंट 3 वाले में जाइए। 31 क्वेश्चन नंबर का, 31 क्वेश्चन नंबर पे वो कहता है कि SN1 रिएक्शन में इसमें से किसमें डेक्सट्रो लेवो दोनों मिलेगा। तो हम पहले से जानते हैं SN1 रिएक्शन जो है वो पार्शियल रेसिमाइजेशन वाला है जबकि SN2 केवल इन्वर्जन वाला है। तो पार्शियल रेसिमाइजेशन का मतलब होता है इसमें रिटेंशन भी होगा
और इसमें इन्वर्जन भी होगा, यानी इसमें डेक्स्ट्रो लेवर दोनों मिलेंगे, कौन डेक्स्ट्रो होगा ये नहीं मालूम है लेकिन दोनों मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कार्बन जो है वो काइरल होना चाहिए, कौन सा कार्बन, कनेक्टेड टू न्यूक्लियोफाइल, कनेक्टेड टू न्यूक्लियोफाइल, कनेक्टेड टू न्यूक्लियोफाइल वो होना चाहिए काइरल। तो अब आप चेक कर लो बेटा कि किसमें, ए ऑप्शन में आप चेक करो, क्या कार्बन काइरल हो सकता है, नहीं तो काइरल ही नहीं है तो डेक्स्ट्रो लेवो कैसे आएगा, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी वाला, बी वाले में क्या काइरल मिलेगा, हाँ क्योंकि CH3 है, एच है, C2H5 है, और जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये काइरल कार्बन है, यहाँ पर डेक्स्ट्रो लेवो मिल जाएगा, तो बी आंसर डेफिनेटली है। सी वाला मिलेगा क्या, तो सी वाला C2H5 लग गया ना, तो आप लिखेंगे नो काइरल, नो काइरल आंसर नहीं होगा। डी वाला, डी वाला इनिशियली तुमको लगेगा कि ये काइरल है लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा क्योंकि SN1 कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करता है, और जब आप ऐसा बनाओगे कार्बोकैटायन तो इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो नया कार्बोकैटायन आपका जो होगा ना उसमें काइरलिटी आगे चल के नहीं आएगी, 2-मिथाइल आ जाएगा, तो हम लिखेंगे नो काइरल, तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें केवल आंसर क्या है, बी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप कॉपी कर लो अच्छे ढंग से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया है 33, 33 में सबसे पहले HBr जो है ना वो OH को प्रोटोनेट करेगा, HBr जब OH को प्रोटोनेट करेगा तो H2O बन के वो बाहर निकल जाएगा और क्या अल्टीमेटली देगा यहाँ पर कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन में जब Br- अटैक करेगा तो वो बन जाएगा काइरल। आप देखो तो काइरल बनने का मतलब आप इसमें कार्बोकैटायन जब भी मिलेगा तो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन अटैक होता है, इसलिए डेक्स्ट्रो एंड लेवो दोनों मिलेगा, और जब दोनों मिलेगा तो उसको रेसेमाइजेशन बोलते हैं। तो 33 में बेस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो सी वाला है, इसको भी आप लिख लो। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनका आप अलग से लिस्ट बनाकर रखिए बेटा,
जो भी मैं आपको करा रहा हूँ ये सब नोट्स में ही होने चाहिए एक्चुअली हुए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई गिव 34 में बेटा वैसे ही करना था आपको। सबसे पहले HI प्रोटोनेट करेगा और प्रोटोनेट करने के बाद H2O के फॉर्म में बाहर कर देगा तो कार्बोकेटायन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आप कार्बोकेटायन बना लो। यहाँ पर D लगा है, ये प्लस। और अब क्या होगा, खास बात है ये, क्या कि देर इज अ रिंग एंड आउटसाइड द रिंग देर इज पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी 4 मेंबर रिंग होगी तो 5 बनाएगा, 5 मेंबर रिंग होगी तो 6 बनाएगा, यानी इसको बोलेंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपैंड करेगी और रिंग एक्सपैंड करेगी तो इसको ऐसा, मैंने बोला आपको डिजाइन चेंज नहीं करना है, तो ऐसा डंडा लगा हुआ है, डी लगा है, फिर इसके बाद आगे इस तरह आए, फिर इधर गए, इधर आए, इधर गए, इधर गए, और अब ये वाला बॉन्ड तोड़ के कहाँ जोड़ देना है, यहाँ, और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब आप इसको सुंदर सा रिंग बना लो, 6 मेंबर, ऐसा। यहाँ प्लस है, यहाँ CH3 है और यहाँ डी है, लेकिन ये अभी भी इतना अच्छा कार्बोकेटायन नहीं है। अगर समहाउ ये यहाँ पर आ जाए इस जगह पर तो ये टर्शरी बन जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यूटेरियम शिफ्ट कर दो, D- शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इधर डी आ जाएगा प्लस इधर और एक मिथाइल, ये बन गया टर्शरी। यानी कि रिंग भी 6 मेंबर्ड होगी और टर्शरी भी बन गया। अब इसमें जब आप I- डालेंगे, क्योंकि HI डाला था ना, तो एक I- बच गया, उसको आप बस कनेक्ट कर दो। इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रेगुलर मैनर में एग्जाम्स में आते रहते हैं, इसको भी कॉपी कर लो बेटा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहिए, हाँ बीच बीच में, ये नहीं कि केवल मैंने बोला कॉपी तो आपने बस कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया बड़ा सबने, अभी कौन सा क्वेश्चन इसके बाद दिया था, एक क्वेश्चन नंबर मैंने दिया था 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। कहता है कि विच SN1 रिएक्शन ऑफ ईच पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू टेक प्लेस मोर रैपिडली। तो जैसे फिफ्थ का आप ए देखो, अब उसमें क्या है,
SN1 रिएक्शन जो होता है ना, वो SN1 रिएक्शन के लिए जब भी क्वेश्चन रेट से रिगार्डिंग पूछेगा तो आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करना। क्या चेक करना? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। और ये याद रखना है टर्शरी कार्बोकेटायन जो होता है वो सेकेंडरी से ज्यादा और सेकेंडरी प्राइमरी से, ये रफ मैनर में सबको याद होता है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि जो फर्स्ट के दो कंपाउंड्स लिखे, ए ऑप्शन के फर्स्ट और सेकंड जो दो लिखे हैं उनमें क्या कोई टर्शरी या सेकेंडरी ऐसा डिफरेंस है, तो आप बोलोगे नहीं ये दोनों ही टर्शरी है लेकिन इनमें कुछ और डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? लीविंग ग्रुप, बट डिफरेंट लीविंग ग्रुप। और जब लीविंग ग्रुप डिफरेंट है और लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, BR इज बेटर, तो इसका मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? कोर्स BR वाला, ये हो गया बी सेकेंड वाला। अब बी वाले में देखो, बी वाले में उसने चालाकी कर दी, उसने टर्शरी दोनों में लिया और लीविंग ग्रुप भी सेम कर दिया, यानी कि ये दोनों टर्शरी है, लीविंग ग्रुप सेम है, सब एक जैसा है, फिर कैसे आंसर निकाले? तो उसने देखो क्या किया है चालाकी, इसमें उसने H2O लिया है, इसमें उसने लिया है CH3OH। तो आप देखो न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट आप कुछ भी बोलो, तो इसमें होता क्या है, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, मोर पोलर प्रोटिक, याद करिए पोलर प्रोटिक क्या फेवर करता है, SN1 की SN2, SN1, तो इसका मतलब H2O ज्यादा पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, एकदम आसान तरीका। फिर आप सी वाले में जाइए, सी वाले में क्या होगा, सी वाले में पहला है Me3CCl और दूसरा क्या है, Me3CCl, लो ये भी सेम है। और इस बार उसने क्या कर दिया चालाकी से, कि उसने इधर न्यूक्लियोफाइल भी सेम कर दिया। अब न्यूक्लियोफाइल भी सेम कर दे सब, लेकिन रेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है, SN1 में भी होता है और SN2 में भी होता है। उसने क्या किया, यहाँ 1M कॉन्सेंट्रेशन रखी, यहाँ 2M, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर सबस्ट्रेट की बढ़ेगी तो रेट बढ़ जाएगा ना, और अगर रेट बढ़ जाएगा तो आप सेकंड ऐसे ऊपर कर दो। आई होप आप समझ पाए होंगे, इसको भी कॉपी कर लो बेटा। डन बेटा, सबने कॉपी कर लिया? यस। फिर कौन सा क्वेश्चन मैं आपको दिया है? HA2 क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, HA2 क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। HA2 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर से वही सिंपल तरीका यूज करना है। सबसे पहली चीज तो है कि देख के आप बता सकते हो कि तीनों में H2O यूज किया गया है। H2O वीक न्यूक्लियोफाइल होता है जिसको आप हाइड्रोलिसिस भी बोलते हो या सॉल्वोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जो होता है हमेशा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, याद रखना, जब तक कि उसमें कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा जैसे कि OH-। और अगर खाली सॉल्वेंट प्रेजेंट है वाटर जैसा,
तो उसको हम SN1 मैकेनिज्म माने। और SN1 मैकेनिज्म क्या होता है? वाया कार्बोकेटायन। तो वाया कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है? जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल उसका SN1 ज्यादा, मोर स्टेबल मोर SN1। ठीक, तो आप देखोगे तीन जो ऑप्शंस लिखे हैं आपको, मतलब तीन कंपाउंड दिए हैं, उसमें दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें टर्शरी मिल रहा है, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी और ये सेकेंडरी है। कौन ज्यादा होता है? टर्शरी वाली। लास्ट में कौन आएगा? R2 आएगा लास्ट। अब दो जो टर्शरी बच रहे हैं, दोनों टर्शरी है, तो डिफरेंस किस चीज का है? इसमें लीविंग ग्रुप जो है Br है, हाँ सॉरी Cl इसमें है ना, Cl, और ऊपर वाले में लीविंग ग्रुप क्या है? Br। इसमें हमने लीविंग ग्रुप देखा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि तो सेकेंडरी था, तो पहले ही पीछे हो गए। इन दोनों में फिर आप वन वाले को पहले ले आओ। ऐसा मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, आप इसको भी अच्छे ढंग से कॉपी कर लो। और जो मैंने आपको गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन दिया है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप एक बार और ट्राई करना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसको डिटेल में आपको बताऊंगा वो SN2 रिएक्शन के लिए रेट का है। सर यस सर, वो गेटेक का कौन सा क्वेश्चन था आप बता सकते हो एक बार? सेवेंथ होगा। सेवेंथ, ओके सर, थैंक यू। कॉपी कर लिया बड़ा सबने? यस सर। ओके।